तो दोस्तों, जैसा कि फिल्म वार 2 की शूटिंग जो कि अब काफ़ी जल्दी स्टार्ट होने वाली है, लेकिन जैसा कि दोस्तों अगर देखा जाए तो इस फिल्म की कास्टिंग जो कि अभी भी की जा रही है। तो जैसा कि दोस्तों यहां पर वार 2 जो कि एक मच वेटेड फिल्म है और इसी के साथ ही टाइगर एंड ऋतिक वर्सेस जूनियर NTR हो सकता है, क्योंकि जैसा कि दोस्तों यहां पर फिल्म वार 2 में सभी की उम्मीदें तो काफी ज्यादा है कि हमें टाइगर जो कि एक बार फिर से जो कि यहां पर पक्का ही दिखने वाले हैं। और जैसा कि दोस्तों यहां पर वार 2 में हमें जूनियर NTR जो कि दिखने वाले हैं विलन के किरदार में, और इसी के साथ ही फिल्म वार 2 में हमें टाइगर, पठान और कबीर जो कि एक साथ तो दिखेंगे ही। लेकिन जैसा कि दोस्तों जब हम फिल्म पठान और वार फिल्म देखते हैं तो उसी से यहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि फिल्म पठान से जिम का किरदार जो कि मिस्टीरियस तरीके से ख़त्म किया गया था, और कुछ इसी तरह से फिल्म वार से भी खालिद का किरदार जो कि मिस्टीरियस तरीके से ख़त्म किया गया था। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है कि जिम और खालिद जो कि एक बार फिर से हमें फिल्म वार 2 में दिख जाएंगे, क्योंकि जैसा कि दोस्तों यहां पर फिल्म पठान में हमें ये जानने को मिल गया था जहाँ पर के कर्नल लूथरा जो कि हमें ये कहते हुए दिखते हैं कि यहाँ पर कबीर और जिम जो कि एक साथ मिशन करते थे। तो यहाँ पर फिर इसी से हमें ये तो पता चल ही जाता है कि वार 2 में हमें जिम तो पक्का देखने को मिल ही जाएंगे, और इसी के साथ ही खालिद भी अपना कमबैक करते हुए दिखेंगे, और इसी के साथ ही दोस्तों हमें खालिद भी दिख जाएंगे, यानी कि दोस्तों टाइगर यानी कि दोस्तों खालिद भी जो कि वार 2 में दिख जाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर ये तो पक्का है कि यहाँ पर फिल्म वार 2 जो कि काफी बड़ी फिल्म रहने वाली है, और ये YRF की स्पाई यूनिवर्स से वार फिल्म का दूसरा पार्ट रहने वाली है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर जब से ही वार 2 की अनाउंसमेंट हुई है तब से ही टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन के फैंस जो कि यही चाहते हैं कि यहाँ पर हार्टिक वर्सेस टाइगर जो कि हमें एक बार फिर से देखने को मिले, और जैसा कि ये जोड़ी जो कि हमें एक बार फिर से देखने को मिल सकती है, और इस बार का मिशन भी जो कि काफी ज्यादा बड़ा रहने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर वार 2 में एक्ट्रेस के तौर पर यहाँ पर हमें सबसे आगे नाम दिख रहा है कियारा आडवाणी का, और जैसा कि दोस्तों यहाँ पर अब तो साउथ के एक बड़े स्टार का नाम भी हमें सामने आता हुआ दिखा है जो कि हमें वार 2 में दिखने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि मोहनलाल जी का किरदार, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर फिल्म पठान में डिंपल कपाड़िया का किरदार जो कि हमें खत्म होता हुआ दिखा था, तो यहाँ पर उम्मीदें तो काफी ज्यादा है कि मोहनलाल जी जो कि हमें डिंपल कपाड़िया की जगह लेते हुए दिखेंगे। और अब जैसा कि दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं वार 2 के सॉन्ग्स की, तो यहाँ पर ये हो सकता है कि वार 2 में भी हमें सॉन्ग्स जो कि ज्यादा देखने को ना मिले, हो सकता है कि फिल्म वार 2 में हमें दो ही सॉन्ग्स देखने को मिले, क्योंकि जैसा कि दोस्तों यहाँ पर टाइगर और ऋतिक जो कि हमें फिल्म वार में जो कि जबरदस्त डांस करते हुए दिखे थे और ये सभी को काफी ज्यादा पसंद भी आया था। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर जूनियर NTR जो कि डांस करने में काफी ज्यादा माहिर है, और इसी के साथ यहाँ पर ऋतिक भी जो कि उनसे कुछ कम नहीं है। तो जैसा कि दोस्तों इन दोनों का ही डांस जो कि हमें वार 2 में एक सॉन्ग में देखने को मिल जाएगा, और जैसा कि ये काफी ज्यादा शानदार रहने वाला है, और जैसा कि सभी इसका बेसब्री से इंतजार भी करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि दोस्तों यहाँ पर ये हो सकता है कि इस फिल्म में हमें यहाँ पर टाइगर, पठान, जिम और खालिद जो कि सभी दिखने वाले हैं फिल्म वार 2 में। तो जैसा कि दोस्तों जिस तरह से फिल्म पठान में यहाँ पर पठान जो कि फंस जाते हैं तो उन्हें बचाने के लिए आते हैं टाइगर, तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर कुछ इसी तरह से वार 2 में भी हमें कबीर जो कि फंसते हुए दिखेंगे और यहाँ पर उनकी मदद करते हुए आते हुए हमें दिखेंगे यहाँ पर टाइगर और पठान। और इसी के साथ ही हमें ये भी जानने को मिल जाएगा कि जो हमें फिल्म पठान में बताया गया था कबीर और जिम के बारे में, हमें उसके बारे में भी वार 2 में खुलकर जानने को मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि जिम जो कि गेस्ट अपीयरेंस करे वार 2 में। तो अब जैसा कि दोस्तों यहाँ पर बात की जाए वार 2 में टाइगर की, तो यहाँ पर टाइगर के बारे में तो हमें ये जानने को मिल गया, तो यहाँ पर वार 2 में टाइगर का किरदार भी यानी कि दोस्तों खालिद का किरदार जो कि हमें एक बार फिर से देखने को मिल सकता है, और जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो टाइगर भी जो कि हमें काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखते हैं जब भी वो अपनी फिल्म वार के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो वार 2 में यहाँ पर टाइगर भी काम करना चाहते हैं, और यहाँ पर इसी से यहाँ पर ये तो पक्का ही है कि फिल्म वार 2 में टाइगर का जो कि काफी बड़ा कैमियो रहने ही वाला है, जिसमें कि हमें ऋतिक और टाइगर जो कि यहाँ पर जबरदस्त एक्शन करते हुए दिखने वाले हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं कि वार 2 की शूटिंग को कब स्टार्ट किया जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर वार 2 की शूटिंग को लेकर हमें ये अपडेट्स जानने को मिली है कि ऋतिक की फिल्म फाइटर के बाद यहाँ पर ऋतिक जो के लगने वाले हैं वार 2 की शूटिंग में, और इस बार तो यहाँ पर यान मुखर्जी जो कि फिल्म वार 2 को डायरेक्ट करने वाले। तो जैसा कि दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए तो वार 2 को भी सिद्धार्थ आनंद को ही डायरेक्ट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मेकर्स जो कि ये चाहते थे कि यहाँ पर एक अलग विजन के साथ वार 2 को दिखाया जाए, तो यहाँ पर इसी वजह से वार 2 के लिए यान मुखर्जी को हायर किया गया है। तो जैसा कि दोस्तों ये थी फिल्म वार 2 से जुड़ी कुछ अपडेट्स, और दोस्तों क्या आप भी एक्साइटेड है वार 2 के लिए हमें कमेंट्स में बताएं, और दोस्तों आप किन मूवीज पर अपडेट्स जानना चाहते हैं हमें कमेंट्स में बताएं।
साथ ही ऐसी फिल्मों से जुड़ी अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें।